students, welcome again in the metal carbonyl lecture. Again, we are discussing about the vibrational spectra of square planar complex, about their number of peaks. So after going through this orderly, we are going through from octahedral to trigonal bipyramidal, then tetrahedral, then we are discussing about the number of peaks in square planar complexes. Okay, so बच्चों आपका स्वागत है metal carbonyl की इस lecture में, जहाँ पर हम square planar complexes की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा जो कि एक मेटल कार्बोनिल होगा तो वहां पर नंबर ऑफ पीक्स कितनी जनरेट होंगी. ओके, जब हम इसमें इसके क्रम में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल्स हम पढ़ चुके हैं, हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल्स की स्टडी कर चुके हैं, देन हमने टेट्राहेड्रल कार्बोनिल्स की स्टडी की. अब देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम किस तरीके से नंबर ऑफ पीक्स को स्टडी कर सकते हैं कि एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में कितने नंबर ऑफ पीक्स जनरेट होंगी. तो ये अगेन एक फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा था वो भी फोर कोऑर्डिनेटेड था, लेकिन अब ये एक दूसरा फोर कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल है जो कि स्क्वायर प्लेनर शेप का होगा. और अगर स्क्वायर प्लेनर शेप का होगा तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि अगर वो डाई कार्बोनिल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इस तरीके से अरेंज हो सकता है. देखिए ये सिस टाइप का कॉम्प्लेक्स है जहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V है. तो इसकी पॉइंट ग्रुप है C2V बच्चों, और जब ये C2V पॉइंट ग्रुप है तो हम उसका इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना के देखेंगे. देखिए बच्चों, पता है कि ये जो जब सिस पोजीशन पे दो कार्बोनिल होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो C2V पॉइंट ग्रुप होगा, और अगर C2V पॉइंट ग्रुप होगा तो ये हमें करेक्टर टेबल उसके लिए मिलेगी. अब हमें क्या काउंट करने हैं, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस फॉर दिस टू CO जो कि एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन पे है. तो इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं इसमें कि किस तरीके से हम इसमें डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आइडेंटिटी कितनी होगी, टू होगी, क्योंकि हम कितने कार्बोनिल्स की बात कर रहे हैं, टू कार्बोनिल्स की बात कर रहे हैं. तो आइडेंटिटी टू होगी क्योंकि दोनों कार्बोनिल जो है वो क्या होंगे, अनशिफ्टेड होंगे. अब इस पर हम C2 अप्लाई करते हैं. तो जब हम इस पर C2 अप्लाई करेंगे तो C2 अप्लाई जब हम करेंगे तो इस तरीके से हम इसको रोटेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों कार्बोनिल क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. सो अनशिफ्टेड कार्बोनिल्स क्या होंगे, जीरो होंगे. दोनों के दोनों कार्बोनिल क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. तो अनशिफ्टेड कितने होंगे, जीरो कार्बोनिल. ओके, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं सिग्मा वी. अगर हम इसमें सिग्मा वी अप्लाई करेंगे तो सिग्मा वी अगर आप देखेंगे तो एक्स जेड जो हमने माना है वो माना है जिसमें कि ये तीनों मेटल एंड दो कार्बोनिल जो है उस प्लेन में है. उस प्लेन में अगर हम सिग्मा वी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि दोनों कार्बोनिल प्लेन में है इसलिए दोनों अनशिफ्टेड रहेंगे. और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सिग्मा वी की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि दोनों अनशिफ्टेड कार्बोनिल से हैं. ओके, अब नेक्स्ट जो हम इसमें अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इसमें सिग्मा वी वाई जेड. तो अगर हम सिग्मा वी वाई जेड को देखेंगे तो वो सिग्मा वी वाई जेड कुछ इस तरीके से लगेगी कि वो एम से होती भी जाएगी और इन दोनों को कार्बोनिल, दोनों कार्बोनिल के ये बीच में प्लेन होगा. तो इस प्लेन में अगर आप देखेंगे कोई कार्बोनिल नहीं होगी तो दोनों कार्बोनिल जो है वो इस प्लेन में नहीं है, इसलिए आप देखिए कि दोनों के दोनों शिफ्ट होंगे. तो अनशिफ्टेड कार्बोनिल्स कितने होंगे, जीरो होंगे, इसलिए आप यहां पर जीरो लिखेंगे. अब हम क्या काउंट करेंगे, अब हम देखेंगे इनसे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या हमें मिलते हैं. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए इस पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना है बच्चों, 4 है. और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी A1 के लिए तो मैं क्या करूंगी, 1/4. अब मैं देखूंगी 1 × 1 × 2 तो ये क्या हो जाएगा, 2. अब 1 × 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0. देन 1 × 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2. देन 1 × 1 × 0 इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिलेगा, 1 वैल्यू मिलेगी. देन अगर मैं A2 के लिए कैलकुलेट करूँ तो 1/4. देन आप देखिए 1 × 1 × 2 कितना आया, 2 आया. 1 × 1 × 0
कितना आया, जीरो आया, माइनस वन इंटू वन इंटू टू कितना आया, माइनस टू, एंड देन माइनस वन इंटू जीरो इंटू वन कितना आया, जीरो। तो हमें क्या मिल गया, जीरो। तो इसका मतलब ए टू कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ओके, इसे B1 के लिए काउंट करके आपको दिखाऊं, तो अगर मैं B1 के लिए काउंट करूं तो आप ये देखेंगे कि B1 के लिए देखें क्या वैल्यू आती है। तो B1 को हम कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 2, प्लस माइनस 1 इंटू 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, देन माइनस 1 इंटू 0 इंटू 1 कितना आ गया 0, देन इट इज इक्वल टू 1। तो यस, A1 है और B1 है। अगर मैं B2 के लिए कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4, आप देखिए 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस 1 इंटू 0 0 हो गया, देन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2, देन प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए B2 नहीं होगा और A2 नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस B1। तो टोटल पीक्स कितनी आएंगी, टोटल पीक्स आएंगी 2 पीक्स विल बी देयर इन केस व्हेन द 2 कार्बोनिल्स दे आर सिस टू ईच अदर। कार्बोनिल को देखेंगे जहां पर दोनों कार्बोनिल क्या है, ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है। तो अगर दोनों ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट होंगे तो इस पर जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा D2H। तो D2H पॉइंट ग्रुप क्यों है इसमें, क्योंकि इसमें एक जो है वो मेन जो इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो C2 है। ओके, और दूसरी C2 भी है, तो दो इसमें C2 है, और तो एक सब्सिडरी एक प्रिंसिपल एक्सेस है, तो ग्रुप क्या होगा D, और इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसलिए ये H D2H इसका पॉइंट ग्रुप होगा। तो हमें पता चल गया है कि इसका पॉइंट ग्रुप D2H है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अनशिफ्टेड एटम्स को काउंट करेंगे डिफरेंट इस पर जब हम सिमिट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और ये है इसकी करेक्टर टेबल बच्चों, D2H की करेक्टर टेबल है, और हमारे पास ये देखिए ये अनशिफ्टेड एटम्स का नंबर है। इसको भी हम करके देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये पोजीशन है इसकी। मॉलिक्यूल में अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो दो कार्बोनिल हैं, दोनों अनशिफ्टेड रहेंगे, इसलिए ई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें देखिए C2 अप्लाई करें, तो C2 इसमें तीन C2 है, C2Z, C2Y एंड C2X। तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, देखिए एक C2 ये है बच्चों, अगर मैं ये C2 अप्लाई करूं यहाँ पर तो ये दोनों जो कार्बोनिल है ये इनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये जीरो, मैं अगर इस एक्सिस को जेड मान लूं तो यहाँ पर अनशिफ्टेड ग्रुप्स कितने होंगे, जीरो। अब दूसरी जो C2Y है, देखिए अगर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कौन सी है, ये आपके और मेरे आमने सामने, बोर्ड अंदर बाहर, ठीक है। तो ये वाली जो है अगर मैं इससे रोटेट करूं तो ये दोनों क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, कोई भी अनशिफ्टेड कार्बोनिल नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, जीरो होगा। और एक C2 देखिए ये है, अगर मैं यहां से C2 अप्लाई करूं तो आप देखिए ये दोनों जो है कार्बोनिल इस C2 में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या रहेंगे, अनशिफ्टेड रहेंगे। तो क्योंकि दो अनशिफ्टेड कार्बोनिल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं इन्वर्जन सेंटर की बात करूं तो वो जीरो होगा, क्योंकि इन्वर्जन सेंटर में जो अनशिफ्टेड एटम होते हैं वो जीरो होते हैं। अब अगर मैं इसमें सिग्मा वाई अप्लाई करूं, सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करूं, तो सिग्मा एक्स वाई अगर मैं अप्लाई करूं तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्लेन है बच्चों, देखिए ये प्लेन, ये एक बाहर एक अंदर, ओके। तो सिग्मा एक्स वाई प्लेन अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा, अगर मैं समझाऊं तो यहां पर एक्चुअल में इन्होंने इसको तो कहा है, इसको इन्होंने कहा है, ठीक है, यह x, क्योंकि x में क्या है, दो अनशिफ्टेड है, तो ये x माना गया है इस एक्सिस को, तो यहां पर दो कार्बोनिल अनशिफ्टेड हैं, बाकी जो दो बचे हुए हैं ये एक z है और एक y है। तो इसको y मान लिया गया है और इसको z मान लिया गया है, ठीक है। तो अगर अब मैं देखिए इसमें एक प्लेन अप्लाई करूं और वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन होगा बच्चों, देखिए ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें कि दोनों कार्बोनिल आए हैं, ओके। तो दोनों कार्बोनिल इसमें है, इसका मतलब है कि दोनों अनशिफ्टेड रहेंगे, तो यहां पर एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा भी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
एक प्लेन जो यहाँ पर ये जो वाई जेड प्लेन है, ये प्लेन कैसा है, ये इस तरीके का है जो कि एम से होता हुआ जा रहा है और ये दोनों कार्बोनिल इस प्लेन से होते हुए नहीं जा रहे। आप कह सकते हैं कि इसको बीच में जो डिवाइड कर रहा है वो प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन है। और इस वाई जेड प्लेन में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और इसका मतलब अनशिफ्टेड क्या होंगे, जीरो होंगे। और एक प्लेन और है बच्चों इसमें, जो एक प्लेन है वो है एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, वहां पर भी दोनों कार्बोनिल क्या होंगे, वो जो प्लेन होगा वो एक्चुअली इनके परपेंडिकुलर होगा। देखिए इस तरीके का प्लेन होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके का प्लेन, तो इस प्लेन को अगर आप देखेंगे, ये प्लेन, ये ब्लू कलर का प्लेन और ये वाला ब्लैक कलर का प्लेन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू प्लेन है वहां पर सीओ सीओ प्लेन में है, और जो एक ये ब्लैक कलर का प्लेन है यहाँ पर भी सीओ सीओ क्या है, प्लेन में है। इसलिए इस केस में भी आप देख रहे हैं दोनों कार्बोनिल क्या होंगे, अनशिफ्टेड होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सिमिट्री एलिमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद हम इस कैरेक्टर टेबल और इसकी हेल्प से इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ए वन जी एंड हमारे पास क्या है, बी थ्री यू। ये है ए वन जी बच्चों, तो ये हमारे पास ए वन जी एंड बी थ्री यू आए। यहाँ पर आप देखिए ए वन जी में क्या एक्स वाई जेड है, नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है आई आर एक्टिव नहीं है। जबकि अगर हम बी थ्री यू को देखेंगे तो यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब ये आई आर एक्टिव है। सो इट विल शो वन पीक, ये कितनी पीक शो करेगा, एक बैंड शो करेगा, एक पीक शो करेगा, अगर ये दो कार्बोनिल स्क्वायर प्लेनर में कहाँ पर होंगे, ट्रांसपोजिशन पर अगर ये प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करूं और डाइकार्बोनिल की बात करूं तो दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। एक जहां पर सिस होगा तो सी टू वी पॉइंट ग्रुप होगा, अगर सी टू वी पॉइंट ग्रुप होगा तो दो पीक आएंगे जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ए वन प्लस बी वन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। एंड दूसरा जो ट्रांस जो इसका आइसोमर होगा वहां पर आप देखेंगे डी टू एच पॉइंट ग्रुप है, और इस डी टू एच पॉइंट ग्रुप की वजह से ये एक पीक शो करेगा, एक बैंड शो करेगा, जो कि बी थ्री यू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की वजह से होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनल्स दैट आर हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस, और हम इस सब का जिस्ट भी देंगे बच्चों एक टेबुलर फॉर्म में। तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इनऑर्गेनिक कार्बोनिल्स के केस में किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ स्क्वायर प्लेनर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच।